हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप आजकल इस तरह का कहीं में जगह आपने मशीन्स देखा भी होगा और वीडियोस भी देखी होंगी। ये एक मशीन्स अपना फुली मैकेनिकल मशीन्स है, इंटरमिटेड मोशन में चलता है और ये भी वे मेट्रिक कॉन्सेप्ट पे है। इसका लिमिट 2 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक, मतलब 99 ग्राम्स तक का रहता है। और इसमें आप ग्रैनुल्स एंड पाउडर, किसी भी तरह का प्रोडक्ट आप इसमें भी पैक कर सकते हैं। मशीन्स काफ़ी सही है, ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिन लोगों ने शुरुआती तौर पे अपना काम स्टार्ट करना है और एक्सपेंसिव मशीन्स को वो एफर्ट नहीं कर पाते, महंगी मशीनें वो एफर्ट नहीं कर पाते, तो सोचते हैं कि कुछ सस्ता मिले जिससे वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट कर सकें। तो उन जैसे लोगों के लिए मशीन काफ़ी बेहतर है और कारगर है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, इसमें हमने लॉन्ग फिल किया हुआ है और इसमें हमने अगर सेटिंग की अगर बात करें तो 3 ग्राम का इसमें सेटिंग किया हुआ है वेट का। तो अभी आप देखेंगे तो ये मशीन काफ़ी कॉम्पैक्ट और चीप है, सस्ती भी है और अच्छी भी है। स्टार्ट करें इसे एक बार, देखें स्टार्ट करने के बाद आप इसके पाउच की फिनिशिंग देखें और अगर आप देखेंगे वेट तो कितना सही वेट चल रहा है। 3 ग्राम का सेटिंग किया है जैसे कि इसमें, और ये 3 ग्राम का ही प्रोडक्ट इसमें ड्रॉप हो रहा है। इस मशीन्स को आप IMR के साथ भी काम कर सकते हैं और प्लेन के साथ भी काम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ छोटी छोटी सेटिंग्स रहती हैं मशीन में, उन सेटिंग्स को हटाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। मतलब अभी ये लेंथ के अकॉर्डिंग चल रहा है, जैसे कि देख रहे हैं आप 70 mm ने इसमें लेंथ सेट किया हुआ है, तो 70 mm के हिसाब से लेंथ चल रही है इसमें। तो ये पाउच का फिनिशिंग आप देखें कितना बेहतरीन पाउच है, एकदम फर्स्ट क्लास, 3 ग्राम लॉन्ग। क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ऐसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के लिए आप वॉल्यूमेट्रिक मशीन्स कारगर नहीं हैं, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक मशीन्स में आपके इस तरह के प्रोडक्ट क्रश होने के चांसेस रहते हैं, लॉन्ग के टूटने के चांसेस रहते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ें टूटने की दिक्कत नहीं है। अब ये इसमें बैटरी आप 3 ग्राम से लेके 99 ग्राम्स तक आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। थोड़ा वेट बढ़ाओ इसको, 10 ग्राम्स तक करो एक बार, ज़रा कंटिन्यू करो, ऑनलाइन पे करो वेट। कोई नहीं, अभी आप देखिए तो हम 10 ग्राम की सेटिंग करेंगे बस। ओके, अब आप इसमें 10 ग्राम की सेटिंग देखेंगे, ओके। और ये देखें 10 ग्राम का पाउच कितना बेहतरीन, स्केल लेते हो जरा, स्केल छोटा। अब ये 10 ग्राम का पाउच हमने बनाया है, पाउच बहुत ही लाजवाब है, नो डाउट, मशीन बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। देखें इतना बेहतरीन पाउच और शुरुआती तौर के लिए बहुत बेहतर है। अभी आप देखेंगे इसमें हमारा, हमने भी 100 ग्राम का, सॉरी 10 ग्राम का सेटिंग किया है। 10 ग्राम के साथ हमने इसमें फिर पहले कुछ 3 ग्राम के पाउचेस निकाले थे। वेट देखें, करो इसको स्टार्ट, ज़रा एक बार स्केल लाओ। अभी आप देखेंगे वेट हमारा इसमें जो सेटिंग किया गया है, ये हमारे 10 ग्राम के पाउचेस निकल रहे हैं। अब मटेरियल ख़त्म हो चुका है, जैसे कि 10 ग्राम का हम वेट चेक करते हैं। 10 ग्राम का पाउच ये आप देखें, 11.1623, 11 ग्राम्स, 11 पॉइंट, फैन बंद करना, ओके, ऑलमोस्ट 11 ग्राम्स का पाउच है ये भी। ये भी देखिए 11 ग्राम्स, इलेवन ग्राम्स, 11 पॉइंट, पॉइंटों में वेट आप देख रहे हैं कितनी बेहतरीन है मशीन। देखिए अभी हमने 3 ग्राम का भी सेटिंग किया था इसमें, 3 ग्राम के हिसाब से आप देखें। अब ये पाउच के साथ का वेट है 3.75, 4.23, 4.35, 1 सेकेंड, 3.75 के वेट को दोबारा क्रॉस चेक करूँ, कुछ फर्क तो नहीं, फर्क था 3.75, ओके। पाउच में थोड़ा सा वेरिएशन दिखा है इस पाउच के अंदर, 4.4, ओके,
क्योंकि 3 ग्राम का तो हमारा प्रोडक्ट ही था, 4.3.92 ऑलमोस्ट 0.5 ग्राम का टॉलरेंस है, 3.9, 3.6, 4.5, मतलब पॉइंटों में आप वेट देख रहे हैं, पॉइंटों में ही वेट वेरिएशन है। बाकी सबसे बेहतरीन खूबी इस मशीन्स की ये है कि आपका प्रोडक्ट क्रश होके नहीं पैक होता, जिस तरह से आपका प्रोडक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्ट है, उसी कंडीशन में प्रोडक्ट इसमें पैक किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आई होगी। तो देखें इस तरह की हमारे पास कई तरह की मशीनें बनाई जाती हैं, जैसे कि आपने शायद इस मशीन्स का भी वीडियो देखा होगा, स्पीड के चलते हमने इस मशीन्स को भी डिज़ाइन किया है, कि इस मशीन्स का भी जल्द से जल्द मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू।